जोड़ापोखर सर्किल इंस्पेक्टर संजीव कुमार की अध्यक्षता में जोड़ापोखर स्थित उनके आवास पर क्राइम मीटिंग किया गया, जिसमें जोड़ापोखर सर्कल के अंदर पड़ने वाले सभी थानों की पुलिस से होली व सभी बारात को लेकर एक विशेष बैठक की गई, जिसमें सभी थाने के प्रभारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के संबंध में मीडिया से बात करते हुए जोड़ापोखर सर्किल इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने कहा कि आज जोड़ापोखर सर्कल के अंदर पड़ने वाले सभी थानों के साथ क्राइम मीटिंग रखा गया है, जिसमें सभी पेंडिंग केस से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई एवं होली और सभी बारात को लेकर दिशा निर्देश सभी थाने को दिया गया। साथ ही उन्होंने आमजनों से यह अपील की कि होली और सभी बारात को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं, युवा वर्ग विशेष रूप से वाहन धीरे चलाएं एवं नशा ना करें, साथ ही लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना और किसी भी तरह की सूचना सबसे पहले थाने को देने की बात कही। हाँ, ये मंथली क्राइम मीटिंग जो हर महीने में होती है, वो मंथली क्राइम मीटिंग अपने क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों के साथ किया जा रहा है, और चूंकि होली पर्व है 8 तारीख को, तो क्राइम मीटिंग के साथ साथ होली के संबंध में विधि व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। और होली में हम लोग के क्षेत्र में विधि व्यवस्था बिल्कुल सामान्य रहे, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं हो, इसलिए हम लोग भी प्रिवेंटिव एक्शन पर भी बात कर रहे हैं और आगे उसी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आम जनता को संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि होली का पर्व है, सब लोग मिलजुल करके अपना पर्व मनाएं, अपना त्यौहार देखें, किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति किसी भी स्थिति नहीं पैदा होने दें। युवाओं को हम खास करके ये संदेश देना चाहेंगे कि सब लोग गाड़ी जो है सो लिमिट स्पीड में चलाएं और किसी तरह के नशा का सेवन नहीं करें।